फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज के दिन को स्टार्ट करते हैं। आज है सावन का थर्ड सोमवार। पूजा एज यूजुअल हो चुका है, जैसे कि पर आज मैंने किया है पूजा। आज रात को जल्दी जाना था तो आज मैंने पूजा किया है। तो सब कुछ हो चुका है, काम वाम भी सब हो चुका है, खाना वाना भी सब बन चुका है, क्योंकि वेज बनता है आज, तो ज़्यादा कोई ताम झाम होना नहीं है। तो बस यही है। तो चलिए फिर लेट्स आज का दिन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है, लेट्स सी। जस्ट ऑफिस पहुंचा हूँ आके, क्यों ना अभी थोड़ा आज लेट आया हूँ ऑफिस, क्यों ना कल दो दिन हो गया ऑफिस में, शिफ्टिंग का काम चल रहा था तो दो दिन हो गया लेट आ रहे थे और लेट भी जा रहे थे, तो इसलिए आज भी मंडे है, मंडे भी लेट ही आया हूँ मैं। एंड अभी जस्ट पहुँचा हूँ, पहुँच के थोड़ा सा कॉफ़ी ले रहा हूँ, कॉफ़ी के साथ अब काम शुरुआत होगी। एक कॉफ़ी का मग जो है मेरी वाइफ ने दी थी मेरे को, इस पर लिखा हुआ है एवरी डे स्माइल डे, क्यों ना आप जब भी रहो स्माइल करते रहो, कोई भी दुख कष्ट आए आप उसको हंसते हुए निभाओ तो बहुत अच्छा होता है। वो धीरे धीरे आपका जो है वो चीज़ कष्ट जो होता है वो दूर हो जाता है। और ये हमारी ऑफिस के व्यू देखिए नीचे का, शायद नहीं दिखेगा क्यों ना बहुत थोड़ा सा धूप ज़्यादा तेज है आज, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो दिख रहा है बट नहीं दिख रहा है क्यों ना बहुत ज़्यादा धूप तेज है, तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे का व्यू बहुत कम दिखता है। और ये मेरा चैम्बर है ऑफिस के, ये मेरी टेबल है, ये मेरा टेबल है और ये मेरा पूरा चैम्बर है। बाकी मैं आपको बाहर ऑफिस की बाहर जाके वह बाहर का व्यू दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है हमारे ऑफिस का पीछे का व्यू। ओके, बाय बाय। हमारे ऑफिस की 15 फ्लोर से ऊपर से व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर पूरा बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये यहाँ तक आप, यहाँ से हमारी ऑफिस से लोटस टेंपल भी पूरा क्लियरिटी देखता है, क्यों ना ये नेहरू प्लेस की लोकेशन है। नेहरू प्लेस में ये जो बिल्डिंग है ये सारे बहुत पुराने हैं, ये नया बिल्डिंग बनी है सारे, ये अभी न्यू सारे बन रहे हैं अभी, और बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग टेरेस्ट पे अड़ा के कॉफ़ी और घूमते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये मेट्रो चल रही है यहाँ पे, और ये लोटस टेम्पल देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है। बाकी पीछे का जो व्यू है सारे नोएडा का है, बहुत खूबसूरत। आप लोग भी डेली आइए, जो लोग डेली से बाहर रहते हैं ये सब चीज़ देखिए, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छी है। चलो दोस्तों फिर ऑफिस का काम करते हैं, फिर शाम को जब निकलेंगे तो फिर आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, बाय बाय। हे गाइस, गुड इवनिंग। छत पे आई हूँ अभी, वॉक कर रही है वो एली, वॉक कर रही है। मैंने ये कुछ कपड़े सुखाए थे आज, तो बस वही कपड़े लेने आए हैं, और क्या कुछ खास तो है नहीं आज। बस अभी पहले मैंने सोचा था सोयाबीन आलू सब्जी बनाऊँगी, पर फिर उनका फ़ोन आ गया कि नहीं सोयाबीन नहीं खाना, तुम सिर्फ दाल आलू शीत दो और भात बनाओ गरम गरम। मैंने चलो फिर ठीक है, एक मिनट रुको। दो चार दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी ना, तो छत थोड़ा सा गंदा है, झाड़ू नहीं लगा, सारे पत्ते वत्ते इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो जो मट्टी, बारिश की जो मट्टी होती है ना वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो फिर थोड़ा सा इधर उधर मुँह मारी थी मैं, इस पर मैंने बोला रुको, तब उसको एक खेलने की चीज़ ला के दी है मैंने, अब वो उसके साथ खेल रही है। सनसेट दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए बिल्कुल सनसेट होने का टाइम हो चुका है, अभी टाइम है, अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं, बस हो रहा है धीरे धीरे सनसेट यहाँ से। मैंने पता है मिर्ची के पेड़ लगाए थे, एक पेड़ मैंने छत पे लगाया था और बाकी दो मैंने नीचे लगाए थे, तो अब आप देखिए इसमें बिल्कुल फूल आ चुके हैं, छोटे छोटे कलियाँ आ चुके हैं, बस अब हरी मिर्च, अब मिर्च होने का टाइम है, मिर्च होते ही हम तोड़ के ओह यम, चटपटा चटपटा कुछ चाट वाट बना के इसमें खाएंगे, आप देख रहे होंगे। ये देखिए नीचे वाले पेड़ में जो मेरे नीचे लगा हुआ है ना, मैं वहाँ पे भी दिखाती हूँ, ये तो छत का है। और ये तो नींबू का पेड़ है, इसमें नींबू हुए थे पर अभी वो बंदर आके ना सारे मतलब ख़राब कर चुके हैं, अभी इसको माली को बोल के इसको थोड़ी सी छटाई करवानी पड़ेगी, अभी नींबू है नहीं। अच्छे खासे 5-6 बड़े बड़े नींबू हुए थे, पर वो खाएंगे तो, पर उनको खाना तो है नहीं, बस लेके तोड़ के वेस्ट करना है, बिल्कुल तोड़ के पैर से चटक मटक के बिल्कुल भरता बना दिया था उस भिंडी, ओ भिंडी कह रही हूँ सॉरी, उस नींबू का इन लोगों ने, बंदर ने।
ये देखिए, ये वाला मैंने अपने बालकनी में लगा रखा था, इसमें भी ऑलरेडी एक तो आ चुका है और दो तीन आ रहे हैं। बस अब इंतज़ार है इसमें मिर्ची आने का। मैं सोच रही थी गमले में है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर फाइनली मेरी मेहनत सफल हुई और ये आ चुका है। ये दो लगाए हैं मैंने यहाँ पे, एक ये और एक ये। बस फाइनली अब मेरी मेहनत सफल हुई, अब देखते हैं आगे। तो 7 बज चुके हैं, अब जाती हूँ फटाफट से शौंदे वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद आपको पता ही है 7 बजे मेरा एक सीरियल आता है, तो वो सीरियल मिस नहीं करती मैं, तो वो सीरियल देख के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं फिर आपसे मिलती हूँ सीरियल देखने के बाद, लेकिन मैंने कल कोई शूट नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं खास ऐसा शूट करने को, तो इसीलिए मैंने कुछ शूट किया नहीं है। तो अभी मॉर्निंग में नहा धो के देखो, मैंने कंघी भी नहीं की बालों में, ऐसे ही आ गई शूट करने के लिए। मैंने चलो सबसे पहले ये काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे पोस्ट भी करना है फिर एडिटिंग करके। तो बस यही सब था और आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, खाना भी नहीं बनाना क्योंकि आज मुझे जाना है मम्मी के घर लंच पे, तो इसीलिए आज मुझे खाना नहीं बनाना। तो आज मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरा है कि आज मैंने सोचा है अपनी अलमारी साफ़ करती हूँ। काफ़ी दिन से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ है, सारे कपड़े वपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो फटाफट से अलमारी साफ़ करके आती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। क्योंकि पूजा आ रहा है अभी, आज मतलब रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, फिर दुर्गा पूजा भी इस मंथ एंड से स्टार्ट हो जाएंगे, तो कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं पता। तो जब तक उसको सब कुछ सेट नहीं करूँगी ना, तब तक एक मतलब एक सेट कर दूँगी ना, तो माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ ये है ये नहीं लेना, ये नहीं है ये लेना है, तो उसमें एक माइंड सेट हो जाता है। तो अभी एली भी सो रही है, मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, तो फटाफट से जाती हूँ अपनी अलमारी साफ़ करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। पूरी अलमारी बिखरी पड़ी है, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो सारे, एक तो ये राज के सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं और ये कुछ मैंने अभी नए लिए हैं थोड़े बहुत, वो भी थोड़े मैंने ऐसे ही रख दिए थे मैसअप करके, तो वो सब सेट करती हूँ। ये सबसे ज़्यादा तो इनके कोट वोट, ये सारे मतलब लेते एक है बिखेरते 10 है, मतलब निकालना एक होता है और उसको सबको मैस करना, तो मतलब एक निकालेंगे तो 10 खराब करेंगे, इतनी बुरी आदत है इन आदमियों की। तो मतलब एक कपड़ा निकालना होता है ना उसके लिए, मतलब ऐसे खींच खींच के निकालेंगे उसको कि मतलब सारे कपड़े खराब हो जाएंगे बिल्कुल। मैं हर महीने में एक बार अलमारी सेट करती हूँ, लेकिन इस बार हो गया, मुझे 2 महीने हो गए सेट किए हुए, मैंने इसको सेट भी नहीं किया और उसी में भी यही हालत है। All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't. तो finally अलमारी अरेंज हो गई है। इतना गंदा करके रखा था, छोटी सी अलमारी है, जितना हो सकता है उतना अरेंज करके रखती हूँ। तो ये सब कुछ अरेंज करके रख दिया है, इनके कपड़े वपड़े सब कुछ जितने भी सब फैले हुए थे सारा अरेंज करके रख दिया है मैंने। अब ये जग गई, जैसे ही मैं काम शुरू किया मैंने ये जग गई, मुझे परेशान करने लग गई यहाँ पे आके, फिर मैंने इसको बांध के रखा था उसको। तो ये जाके सारा मैंने क्लीन व्लीन कर लिया अब, तो बस चलिए फिर थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, थोड़ा गंदगी निकली है ना, झाड़ू वाड़ू करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक। तो देखा आपने, सब कुछ सेट करके आराम, अब जाके थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं है, ऐसे ही बस लेटी हुई हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रही थी। और आज मम्मी के घर जाना है लंच पे, पर जाऊँगी थोड़ी देर बाद जाऊँगी क्योंकि अभी एली सो रही है, वो उठेगी उसको खिलाऊँगी उसके बाद लेके जाऊँगी, तो मुझे जाने में टाइम है। तो मैंने सोचा चलो जब तक थोड़ा बात कर लेती हूँ, और व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं हो रहा था तो व्लॉग को भी कंटिन्यू करके फिर उसको एंड कर देती हूँ। आज का व्लॉग छोटा सा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस। एक न्यू वीडियो के साथ न्यू एपिसोड में मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय।